हाय एवरीवन, सलाम आदाब सत श्री अकाल नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो आपका एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, उसका कितना वेटेज जेई मेन में हर साल पूछा जा रहा है और नीट में भी कितना उसका वेटेज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वही एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसका कितना वेटेज है। पिछले 5 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, तो पिछले 5 साल के पेपर एनालाइज किए हैं बच्चों, ठीक है। और मैंने उसमें पाया है कि ऑन एन एवरेज आपके 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन 2023 में है, 2022 में 3 क्वेश्चन है, 2021 में 4 हैं, 20 में 4 हैं और 19 में तो 5 हैं। तो अगर आप इन सब का एवरेज लोगे तो आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको पता ही है, अगर आप प्लस करके आते हो तो 4 मार्क्स हर क्वेश्चन के हैं, तो लगभग 16 मार्क्स का ऑन एन एवरेज हर साल पूछा जा रहा है, 16, 12, 16, 16, 20, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी प्रिपरेशन में कि जो अकेला आपको 16 नंबर दिला देगा। 16 नंबर बच्चों बहुत मायने रखते हैं, इतने बड़े कॉम्पिटिशन में 16 नंबर बहुत मायने रखते हैं और टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जरूरत है तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सिर्फ, ठीक है। जरूरत है तो किसकी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है आप सब लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं एक सुपर 30 सीरीज लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें PYQ भी होंगे और मेरी तरफ से भी कुछ एडिड क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो सुपर 30 सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। आज के लिए हम ये वेटेज डिस्कस करने वाले हैं। एक तो वेटेज हमने डिस्कस किया, दूसरा थोड़े से क्वेश्चन भी हैं, जब वेटेज आपको दिखाई दिया तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेन में। और ऐसा नहीं है कि नीट वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। नीट वाले अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ जेई मेन लिख दिया तो ये सिर्फ जेई मेन वालों के लिए वेटेज है, लगभग यही वेटेज आपका नीट में भी है। नीट में 3 क्वेश्चन मान के चलो मिनिमम है, 3 क्वेश्चन मिनिमम है और 4th क्वेश्चन भी आता है, वो डायरेक्टली नहीं आता लेकिन समटाइम बेस्ड आता है उस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक और जैसा पी ब्लॉक टॉपिक है आपका, एस ब्लॉक टॉपिक है, उसको और केमिकल बॉन्डिंग को मिक्स कर देते हैं तो उससे आपका मर्ज करके एक क्वेश्चन बना देते हैं, पर तीन क्वेश्चन तो ये मान के चलो इस टॉपिक से है ही अब क्या हर साल, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। चलो बच्चों फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्या पूछ रहा है आपसे कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इनमें से कितनी स्पीशीज का है। जनवरी 2023 में यह सवाल आपसे पूछ चुका है, जनवरी 2023 में कब पूछा है, सवाल पूछा है आपसे। तो चेक करते हैं इनमें से कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जिनका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो PF5 को देख लो सबसे पहले, PF5 किसका है, फास्फोरस, 15th ग्रुप, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 के 5 ने ही क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ सिर्फ है आपके पास 5 बॉन्ड पेयर, यहाँ क्या है आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है यहाँ, 5 बॉन्ड पेयर मतलब sp3d, ज्योमेट्री क्या हो गई sp3d, तो इसकी ज्योमेट्री कह रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप नहीं होगा, PF5 का नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ में आ गई सबको। फिर अगला चेक करते हैं भाई, अगला चेक करते हैं, इसका तो नहीं है हमने देख लिया। BrF4- को देखते हैं, Br किसका है, हेलोजन फैमिली, 17th ग्रुप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस चार्ज भी है, 7 और 1 कितने हो गए 8, 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, 8 में से 4 ने क्या कर लिए बॉन्ड बना लिए, तो बच्चे के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 बोले तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आपको पता ही है कैसे बनता है, ऐसे ऊपर नीचे 2 लोन पेयर होंगे और 4 फ्लोरीन है आपके पास, तो ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, ये भी स्क्वायर पिरामिडल बच्चों नहीं है। समझ में आ गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, IF5, आयोडीन किसका है, अगेन हेलोजन फैमिली, 17th ग्रुप, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 यूज हो गए, ठीक है ना, तो कितने हो गए आपके पास 7 में से 5, अगर एक सेकेंड, 7 में से 5 यूज हो गए यानी कि 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर बचेगा, तो IF5 में अगर मैं लिखूं 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर,
अगेन नंबर कितना आया 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री क्या ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप यहाँ पे क्या होगी वो देखो, वो देखने लायक चीज है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो आप, एक लोन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, ये कैसा है स्क्वायर पिरामिडल है, इसको आप ध्यान से देखोगे, मेरी ड्रॉइंग खराब है, तो ये क्या है स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर हो गई बात, यानी कि IF5 होगा जिसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है सबको, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई फटाफट, नेक्स्ट है BrF5, अगेन ब्रोमीन सेम फैमिली का, हैलोजन फैमिली का, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 से उसने बॉन्ड बनाया, एक उसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अगेन BrF5 को भी लिख कर देख लेते हैं, BrF5 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर कितने हो गए 6 बोले तो sp3d2 सर, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है ना, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ये वाली कंडीशन बनती है, तो सर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाता है, बात आ गई समझ में, ठीक है, 5 और 1 6 क्लियर। तो यानी कि BrF5 का भी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों XCOF4, फटाफट से इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है XEOF4, ज़ीनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8, ऑक्सीजन के साथ उसने क्या बनाया होगा डबल बॉन्ड बनाया होगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए, लेकिन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने उसमें से 5 ही है, 4 फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड बनेगा उसमें 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, तो उसका 1 सिग्मा काउंट होगा, तो 4 और 1 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों 5 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, ठीक है। क्या लोन पेयर यहाँ पे बचेगा देख लो, 4 और 2 6, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ज़ीनॉन के पास, ज़ीनॉन के पास कितने बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर, यानी कि ये भी वही केस है 6 वाला, 6 बोले तो sp3d2 बोले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से शेप चेंज हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। XEF4 और ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यानी कि XEOF4 भी कैसा है स्क्वायर पिरामिडल है, सबको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है सर। अरे 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 ये तो होना ही था, चलो स्क्वायर पिरामिडल हो गया ये भी, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो जी, लास्ट कौन सा बचता है, ICl4- बचता है, नेक्स्ट बचता है कितना ICl4-। देखो एक ही क्वेश्चन में ना बच्चों कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, इन सब के अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन जेई मेन का क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो बहुत सारे चीजों को मर्ज करके एक ही जगह पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ICl4- को भी चेक करते हैं, अगेन आयोडीन हैलोजन फैमिली का है, 7 और 1 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। 4 उसने बॉन्ड बना लिए, 4 उसने क्या कर लिए बॉन्ड बना लिए सर, तो 4 बचेंगे, तो यानी के 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, अगेन नंबर इज 6, 6 बोले तो sp3d2 ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप चेंज जाएगी और शेप हो जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, है ना, कैसी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल ना होके स्क्वायर प्लेनर, 2 लोन पेयर हैं आपके पास, वो दोनों ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं होगा। तो कितनी स्पीशीज आ गई टोटल कितनी स्पीशीज आ गई, 1 2 3 स्पीशीज आ गई, तो आंसर यहाँ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर कितना आ जाएगा 3, सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। चले आगे नेक्स्ट सवाल पे चले, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन, तो सबसे पहले ओजोन लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना, ओजोन ड्रॉ कर लेते हैं भाई,
आठ आठ इलेक्ट्रॉन पूरे कर दो इनके, ठीक है, यही बनेगा, क्लियर है। चलो लोन पेयर काउंट कर लो कितने होंगे, एक ही लोन पेयर है सर, है ना, बच्चे एक लिख के आ गए, लेकिन गलती है, ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है वो, यानी कि सारे एटम्स के काउंट करने हैं, सेंट्रल के काउंट नहीं करने सिर्फ, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, क्या सही, ओ सॉरी इधर गलत बना दिया मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले ऑक्सीजन पे तो दो ही होंगे ना, ठीक है, दो लोन पेयर होंगे। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सर सिक्स, सिक्स इज द करेक्ट आंसर, हो गया। कब पूछा गया, ये भी जनवरी 23 में ही पूछा गया, ठीक, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट शेल, ये नीट 23 में पूछा है, तो नीट वाले खुश हो जाओ, तुम्हारा भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, कि आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसमें, तो सबसे पहले इसको चेक करो अमोनिया को यार, अमोनिया नाइट्रोजन 15 ग्रुप, ठीक है, अमोनिया तो तुम्हें पता ही होगा यार, याद हो गया होगा, तो इसमें आठ इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी है, तीन 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 दूनी छह और दो आठ, ठीक है ना, तीन तो बॉन्ड ही बनाए उसने सिंगल, और एक लोन पेयर भी उसके पास, तो आठ ये नहीं होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे जिनके पास नहीं है आठ इलेक्ट्रॉन। AlCl3 देखो, एल्यूमिनियम के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, तीन और तीन छह, यानी कि ये होगा आठ नहीं है इसमें एल्यूमिनियम के पास, ठीक है, सेंट्रल एटम के पास चेक करने हैं, ठीक, सेंट्रल एटम उसने लिखा भी है BeCl2 बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो ही उसने बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, टोटल कितने हो गए चार, तो आठ नहीं है इसके पास भी, ये भी होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, ये पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। CCl4 कार्बन 14 ग्रुप, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए उसने, कितना हो गया आठ, तो ये नहीं होगा। PCl5 15 ग्रुप, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांच Cl के साथ उसने बॉन्ड बनाए, पांच और पांच कितने हो गए 10, तो ये भी नहीं होगा, मतलब हाँ इसमें आठ नहीं है, आठ नहीं है 10 है, तो उसने पूछा कि उसने ये पूछा था कि जिसमें आठ ना हो, एट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। बच्चों ध्यान से करना क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग एट इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एट नहीं है सेंट्रल एटम के पास, 10 है, तो एक दो तीन, तीन इसका भी आंसर आ गया, ठीक है, तो नीट वाले का भी कितना आंसर आ गया, तीन आंसर आ गया, ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, तो तीन आंसर आ जाएगा इसका भी।